हिंदी साहित्य के मशहूर कवि केदारनाथ मानते थे, जाना एक खौफनाक क्रिया है, क्योंकि जितनी खुशी किसी के आने की होती है, उससे कहीं ज्यादा दुख उसके जाने का होता है। फिर चाहे वो जिंदगी से रुखसती हो या फिर क्रिकेट को अलविदा कहना, लेकिन इसके बावजूद जाना तो है ही। शायद यही सोचकर महेंद्र सिंह धोनी भी अपने अंतरराष्ट्रीय करियर पर विराम लगाकर आगे बढ़ गए। अपनी कप्तानी और मैच को फिनिश करने के जबरदस्त हुनर से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के महान क्रिकेटरों में उनका नाम शुमार है। उन्होंने विश्व क्रिकेट पर अलग छाप छोड़ी है। यही वजह है कि धोनी के संन्यास के फैसले पर पड़ोसी देश पाकिस्तान के भी कई दिग्गज खिलाड़ियों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने ट्वीट करते हुए लिखा, महेंद्र सिंह धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा, उसके बिना क्रिकेट की कहानी कभी पूरी नहीं होगी। व्हाट अ लीजेंड। क्रिकेट के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने भी धोनी को महानतम कप्तानों में से एक बताते हुए ट्वीट किया, भारत क्रिकेट के सच्चे महान खिलाड़ियों में से एक और महानतम कप्तानों में से एक। शानदार करियर के लिए बधाई महेंद्र सिंह धोनी, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। पाकिस्तान के एक और पूर्व कप्तान और कमेंटेटर रमीज राजा ने ट्वीट किया, महेंद्र सिंह धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा, शानदार कप्तान, शानदार रिकॉर्ड, मनोरंजन करने वाला शानदार खिलाड़ी और डीआरएस पर फैसला करने में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, लेकिन इन सबसे अधिक महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय क्रिकेट के यादगार लम्हों में सबसे आगे रहने के लिए याद किया जाएगा। आईपीएल खेल चुके पाक खिलाड़ी सोहेल तनवीर ने लिखा कि धोनी एक ऐसे महान कप्तान और शांत कप्तान जो किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानते हैं। मैंने हमेशा आपके खिलाफ खेलने का आनंद उठाया है, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। पाक महिला क्रिकेटर सना मीर ने धोनी को बेस्ट फिनिशर और ग्रेट लीडर बताते हुए लिखा, नो वर्ड कैन जस्टिस टू द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय दिस ग्रेट लीडर एंड वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर ऑफ द गेम। Thank you, MS Dhoni, for exemplary performance to uplift the status of the sport globally. Mahendra Singh Dhoni ko puri duniya bhale hi aaj ek safal kaptan aur shandar finisher ke taur par jaanti hai, lekin career ki shuruaat mein wo apni tabardod ballebazi ke saath saath lambe hair style ke liye mashhoor the. धोनी के लंबे बालों की चर्चा हर ओर सुनाई देती थी। यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी धोनी के बालों के दीवाने हो गए थे। उन्होंने तो धोनी को बाकायदा बाल न कटाने की सलाह भी दे दी थी। ये बात साल 2006 की है जब भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर गई थी। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 46 गेंदों में 13 चौकों की मदद से नाबाद 72 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी थी। इसी मैच के दौरान परवेज मुशर्रफ ने धोनी को सलाह दी थी कि लंबे बालों में आप अच्छे लगते हैं, मेरी राय में बालों को नहीं कटवाना चाहिए। MS, आप पल दो पल के शायर नहीं, पल दो पल आपकी जवानी नहीं, न पल दो पल आपकी हस्ती है, न पल दो पल आपकी जवानी है, आप पल दो पल के शायर नहीं। आप भी उस पल का हिस्सा थे, आप भी इस पल का हिस्सा है। मशरूफ जमाना आपके लिए अपना वक्त सजाएगा। आप पल दो पल के शायर नहीं, पल दो पल आपकी कहानी नहीं, न पल दो पल आपकी हस्ती है, न पल दो पल आपकी जवानी है, आप हर एक पल के शायर हैं। आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी वॉज नॉट ओनली अ गुड बैट्समैन और वेरी सक्सेसफुल captain. I think if you look at his overall performance, he was an all-rounder, from a wicket keeper to a batsman, for a very successful captain as well. I think he has contributed a lot towards the Indian cricket. I wish him good luck for his future endeavors. His fans will miss him, but I think it's the time to give opportunity to the young players to come and play for Team India. Suresh Raina ne bhi आज ही संन्यास लिया है, उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूशन अपनी ओर से भारतीय क्रिकेट के लिए की है, तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों को ही संन्यास लेने पर, और क्रिकेट से संन्यास लिया हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, लेकिन भविष्य में वो कुछ भी करना चाहें उसके लिए मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। झारखंड के CM श्री हेमंत सोरेन ने BCCI से अपील किया है कि महेंद्र सिंह धोनी का एक फेयरवेल मैच रांची में करवाया जाए,
इस पे आपका क्या? बहुत ही अच्छा उनका जो सोच है बहुत ही अच्छा है, और एक बार फिर इस तरह से हम उनको बधाई देना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी वो राज्य के मुखिया तो है ही हैं और खेल मंत्री भी हैं, तो जिनके कारण ये जो डिसीजन है उनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है, और मैं चाहूँगा बीसीसीआई भी इस पर अमल करे और रांची में जेसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक मैच हो जिसमें एक बार फिर रांची को या झारखंड के लोगों को धोनी को उत्साह बढ़े। और मैं एक बार इसके अतिरिक्त एक बधाई देना चाहूँगा कि पहली बार राज्य के मुखिया और खेल मंत्री श्री हेमंत सोरेन जी राज्य में खेल नीति लागू करने जा रहे हैं, उनके लिए वो बधाई के पात्र हैं।